दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो जनरल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी UPSC में पूछे जा चुके हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, ये रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन बी इसमें सही है, 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि GSLV Mark 3M1, ठीक है, ये Mark 3M1, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, इसका नाम है GSLV, मीन्स जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और ये काफ़ी पावरफुल रॉकेट है जो कि इसरो ने बनाया था। इससे ही चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो दोस्तों, ये जो कॉकरोच होता है उसका जो रंग होता है, उसका ब्लड जो होता है वो सफ़ेद होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें होता है, और इस प्रकार से इसमें दालें जो होती है लेग्यूमिनस होती हैं, लेग्यूम, ठीक है, तो उसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है वो पाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा ही कि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टम, संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन, विशिष्ट रबर, रेयान, रूपांतरित स्टार्च। ये जो रेयान है ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है, इसमें रेयान रूपांतरित स्टार्च ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? इसमें ये बताना है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है, कौन सा पदार्थ। केस बाल, ओके, केराटिन प्रोटीन होता है, जैसे हम लोग लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, ये भी एक प्रोटीन है। खुर, जो कि जानवरों का खुर होता है, वो भी एक तरीके से नाखून और इससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, जिसमें जो कपास है वो प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, और यह किसके कारण होता है? तो इसमें जो संचालन, संवहन एवं विकिरण, ये तीनों अवस्थाएं उसमें होती हैं, इसी वजह से थर्मस का जो रखा हुआ पदार्थ होता है लंबे समय तक गर्म या ठंडा होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसमें सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये रहा कंप्लीट एक GS का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।